अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। सब खैरियत से होंगे। और आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। बड़ा ही मज़ेदार प्रोसेस होता है ये, और ये प्लांट्स के अंदर होता है। और ये प्रोसेस जो है एनिमल्स में नहीं हमें मिलेगा, ये ओनली प्लांट्स के लिए होता है। और ये जो होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, माने ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स अपन हैं जो डिपेंड करते हैं किसी और पे, किसी प्लांट पे, किसी एनिमल पे। एनिमल जो हैं ख़ुद कंज्यूमर्स हैं जो कंज्यूम करते हैं प्लांट को, लेकिन ये प्लांट जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते। सिर्फ ये डिपेंड करते हैं तो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे करते हैं, जिनको ये यूज़ करके ऑर्गेनिक बनाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। लाइक जैसे ये यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी, सनलाइट। ये यूज़ करते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी एयर में सबसे हार्मफुल होती है, उसी को ही ये ले लेते हैं। और ये यूज़ करते हैं मिनरल्स, जो हमारी सॉइल में मिलेगा। मिट्टी के अंदर आपको मिनरल्स होंगे, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और जो है वाटर, उसको यूज़ करके क्या करेगा ये, वाटर को यूज़ करके ये जो है अपना फूड बनाता है, उसे हम कहेंगे शुगर, जिसमें आउटपुट में देता है शुगर। और ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत बेनिफिट में होती है। मतलब हम ऑक्सीजन ही तो हम अपने अंदर इनहेल करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सहेल करते रहेंगे तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का रेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए प्लांट इसको कम करते हैं। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस करा के उसको ऑक्सीजन बना के हमारे लिए भेजते हैं। तो अब हम देखते हैं ये फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। ये फोटोसिंथेसिस जो होता है, ये होता है प्लांट के लीव के अंदर, आपको दिखेगा ग्रीन पार्ट, उसके अंदर होगा फोटोसिंथेसिस। और इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट में होगा। अच्छा, पहले जो है हमें ये देखना होगा ये ग्रीन कलर का क्यों है। इसका ग्रीन कलर के होने की कोई खासियत तो होगी। इसका ग्रीन कलर होने की वजह ये है कि जब सनलाइट आती है, जैसे इधर ले आते हैं, जब सनलाइट आती है तो वो किस कलर में आती है, वो एक कलर में आती है, वो होता है वाइट लाइट। ये आएगी वाइट लाइट पे, ये लीफ पे आई। अच्छा, ये लीव जो है इसमें क्लोरोफिल हैं। वो क्लोरोफिल का काम क्या है, वो एब्जॉर्ब करते हैं सारे कलर एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जब ये लाइट आती है तो प्रिज्म में, जब हम इसे तोड़ेंगे तो कितने कलर में बदलती है, ये 7 नेचुरल कलर होते हैं। और वो 7 कलर्स जो हैं वो इस पे लगते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ग्रीन जो है ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसके अलावा सब कलर्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्रीन, इसलिए ये उसके जैसा, उसके कलर जैसा हो गया है, इसलिए इसका कलर ग्रीन होता है, क्योंकि ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है, इसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, और इसे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको केल्विन ने जो है डिस्कवर किया था, तो इसे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। और जो है इसमें जो है बग़ैर लाइट के हम फूड बनाया जाता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन तो अपन पढ़ेंगे बाद में, अगली वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है लाइट की नीड होती है, अगर सनलाइट होगी तो ये रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में सनलाइट की नीड नहीं होती, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये रात के अंधेरे में ही हो, ये दिन की रोशनी में भी होता है, लेकिन सनलाइट को यूज़ नहीं करता। तो आ जाएं, अब हम देखते हैं ये प्रोसेस होता कैसे। ये आपके सामने एक थाइक्लाइड मेम्ब्रेन है। अच्छा, उससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये पूरा ग्राना है, ओके। ये लाइट रिएक्शन इसमें होगा, और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है वो आपको स्ट्रोमा में दिखेगा, स्ट्रोमा में होगा। और ये पूरा जो है ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें जो है, पहले आपने यहाँ पे देखा था कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ओके। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अभी अपन बात नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ अभी लाइट लेता है और ज़मीन से पानी लेता है। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। तो आगे आते हैं, ये आपको ग्राना है, इधर लाइट, इसकी थाइक्लाइड मेम्ब्रेन जो है उधर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, ओके। ये आपको उसकी थाइक्लाइड मेम्ब्रेन दिखा दी गई है, और ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है जो हमें बहुत ही आसानी कर देगी समझाने में। अच्छा, पहले तो हमें जानना होगा फ़ोटो सिस्टम क्या होता है, फ़ोटो सिस्टम, ओके। यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है कि PS2 और PS1,
यहाँ पे दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम का काम हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये जो पिगमेंट्स ओके सॉरी जो थाइक्लाइड मेम्ब्रेन में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो एक क्लस्टर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। इस तरह से इस तरह अरेंज होंगे एक क्लस्टर ऑर्डर में यूं करके, यहाँ ऐसे ऐसे। तो इसे हम फोटो सिस्टम कहते हैं। तो ये ऐसे अरेंज होते हैं थाइक्लाइड मेम्ब्रेन। तो ये फोटो सिस्टम में दो फोटो सिस्टम होते हैं, वन एंड टू। अच्छा, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है ये शुरू होता है फोटो सिस्टम टू से। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी सनलाइट आई, अंदर दो इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं। ये हमें याद रखना है कि अंदर पहले से दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हमारी सनलाइट आई, हमारी सनलाइट किस फॉर्म में आती है? पैकेट्स के फॉर्म में। उन पैकेट्स को क्या कहते हैं? उन पैकेट्स को कहते हैं हम फोटोन, फोटोन ओके, इसे हम कहेंगे फोटोन। फोटोन की फॉर्म में जो है एनर्जी लाइट आएगी, और ये लाइट एनर्जी जब आएगी तो फिर इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की साइड आएंगे और एक्साइटेड हो जाएंगे, सही है। अब ये इस फोटो सिस्टम टू को लीव कर देंगे। इस फोटो सिस्टम को लीव करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, मतलब ये किसी एक्सेप्टर के पास जाएंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर जिसे हम कहते हैं प्लास्टोक्विनिन। लिखा हुआ भी है PQ, प्लास्टोक्विनिन। प्लास्टोक्विनिन इसे ट्रांसपोर्ट करेगा। जब इसे ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ तक? इसे साइटोक्रोम तक ट्रांसपोर्ट कर देगा। फिर साइटोक्रोम में क्या होगा? साइटोक्रोम में इन इलेक्ट्रॉन की, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ आ जाएंगे, सही है। साइटोक्रोम में मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन मिल गया हमें, ओके। और जो इधर एनर्जी ATP सिंथेसिस होता है, ये आगे जाके आपको बताएंगे कि ATP कैसे बन रहा है इसमें, वो हम देखते हैं। पहले जो है इसमें हाइड्रोजन आयन मिल गए हमें। अब ये प्लास्टोक्विनिन, ये यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक का प्रोसेस हो रहा है इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ, साइटोक्रोम में गया, ये भी प्लास्टोक्विनिन है। अब ये प्लास्टोक्विनिन इसे आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। ये दोनों क्या हैं? ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं जो उसे एक ट्रांसपोर्टेशन का काम दे रहे हैं, सही है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम दे रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक की ये लाइन लगाई है, ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इसमें से हाइड्रोजन आयन भी हमें मिल गए हैं। अभी ये इधर जाएगा, इसमें से एनर्जी निकल चुकी है, ये जो इलेक्ट्रॉन गए हैं इनमें से, अब इनमें ये एक्साइटेड नहीं है, इसलिए ये अब फोटो सिस्टम टू में आ गए हैं। अब इन पर दोबारा लाइट लगेगी फोटोन की फॉर्म पे, और ये अब दोबारा एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होंगे ये ऊपर की तरफ जाएंगे, इन्हें अब एक और प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा जिसे कहते हैं फेरेडॉक्सिन। FD दिख रहा है, ये फेरेडॉक्सिन है। ये फेरेडॉक्सिन इसे आगे ट्रांसपोर्ट करेगा, सही है। जब ये आगे ट्रांसपोर्ट होगा तो फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन आयन्स और हमें मिलेंगे। जब वो हाइड्रोजन आयन्स हमें मिलेंगे तो उससे क्या होगा? हाइड्रोजन आयन्स से NADP को NADPH में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की ज़रूरत हुई और यहाँ पे NADP को NADPH में यूज़ कर लिया, बना लिया। तो आगे अब चलते हैं आगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आए थे अंदर, इन हाइड्रोजन आयन को यहाँ से, अब जैसे ही अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर भी तो आएंगे। अब ये जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन आयन है, अब ये हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे, और ये जो हमारे पास ADP आ रहे हैं ये क्या है? ये क्या जो आपको दिख रहा है, इस मॉलिक्यूल को कहते हैं हम ATP सिंथेस, जो क्या करता है? ATP बनाता है। तो यहाँ पे ये जो ADP आया है ये फॉस्फेट को, ये ATP सिंथेस जो है एक फॉस्फेट ADP एडनोसिन डाईफॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट मिला देगा, जिससे क्या बन जाएगा? ये एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इसमें हमें हाइड्रोजन आयन की नीड होती है, इसी तरह एनर्जी बनती है। तो हमारे पास दो तरह के इधर मॉलिक्यूल बने हैं, एक को कहते हैं ATP और एक को कह रहे हैं हम NADPH। और यहाँ पे जो है ये दो तरह के मॉलिक्यूल बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो मतलब ये तो खाली हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? अब यहाँ पे फोटोलाइसिस होगा। फोटोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन आयन में। ये हाइड्रोजन आयन और जो ये इलेक्ट्रॉन की मदद से अंदर हाइड्रोजन आयन आए थे, ये हमारी ATP सिंथेसिस ATP को बनाने में काम करते हैं।
और जो है इनके टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस इसको मिल गए। अब ये वैसे ही दोबारा से ट्रांसपोर्ट कराएगा, मतलब इसको एनर्जी मिली, एक्साइटेड हुआ, लास्ट ओपिनियन में गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुई, फिर हाइड्रोजन आयन भी हमें यहाँ से मिला, और फिर जो है दोबारा इसको एनर्जी मिली, एक्साइटेड हुआ, फेरेडॉक्सिन में गया, फिर इससे NADPH बना, NADP से हाइड्रोजन आयन मिला। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगी, एक्साइटेड हो गए, तो अब जो है हाइड्रोजन आयन यहाँ भी नीड होगी, तो यहाँ भी हाइड्रोजन आयन आएंगे, और जो है रिएक्ट, मतलब जो है आपस में रिएक्शन कह सकते हैं इन्हें, एक तरह से बॉन्ड कर लेंगे और फिर NADPH बन जाएगा। ये अब बन गई हैं दो तरह की एनर्जीज, जिससे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में अपना फूड मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओके, लेकिन एक चीज़ और भी है, ये हाइड्रोजन आयन तो यूज़ हो गया, ये ऑक्सीजन का क्या करेंगे? इसको प्लांट अभी के लिए जो है हम इसे, ये प्लांट जो है लीव करवा देता है, बाहर पहुंचा देता है, ताकि जैसे आपने यहाँ पे पीछे देखा था कि ऑक्सीजन ये हमारे एनवायरनमेंट में देता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को ये इंडिपेंडेंट रिएक्शन में भी, इंडिपेंडेंट रिएक्शन में लेता है, जहाँ पे आपने देखा यहाँ पे डिपेंडेंट रिएक्शन में नहीं लेता, इंडिपेंडेंट रिएक्शन में लेके इससे क्या बनता है, इससे हमारा फूड बनता है, वो भी हम पढ़ेंगे, और हाइड्रोजन बना, ऑक्सीजन बनाता है, तो ये ऑक्सीजन एयर में रिलीज हो जाता है, जिसको हम ब्रीथ करके अपने अंदर लेते हैं और उसको दोबारा से CO2 बना के बाहर रिलीज कर देते हैं। तो ये जो होता है, ये सब थाइक्लाइड मेम्ब्रेन में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्राना होता है उसकी थाइक्लाइड मेम्ब्रेन में होता है। तो यहाँ पे अब आपको दिख रही है ATP और NADPH वहाँ जा रहे हैं कैल्विन साइकिल में, कैल्विन साइकिल में ये यूज़ होंगी इसकी एनर्जी, और फिर क्या होगा, ये वापस आएंगे किसमें, इनका हाइड्रोजन आयन भी चला गया है और इसका एक फॉस्फेट आयन भी चला गया, अब ये वापस आएंगे तो फिर इनको दोबारा एनर्जी मिलेगी, तो ऐसे ही चलता रहता है और फूड बनता रहता है। तो आई होप आपको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन समझ में आया होगा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन समझ में आया होगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है लेकिन इतना कन्फ्यूजिंग है नहीं, बस डिपेंडेंट अगर हम कह सकते हैं, लाइट डिपेंडेंट को कैल्विन साइकिल भी बोल सकते हैं और डार्क रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और जो है फोटोसिंथेसिस का भी, मतलब जो है फंडा आपके अंदर क्लियर हो गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। अगर ये ना समझ में आया हो तो मैं आपके साथ एक वीडियो की लिंक शेयर करूँगा बहुत जल्दी, लाइट इंडिपेंडेंट में कर दूँगा या इसमें कर दूँगा, जिसको आप देख के और अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो बच्चे समझना चाहें वो उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। आई होप यू आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।